इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तून में एक आतंकी हमला हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस समय राजनीतिक हालात उथल पुथल भरे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स कैंप पर आतंकी हमला एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। खैबर पख्तूनवा में ये हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में पैरामिलिट्री कैंप को निशाने पर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इलाके में यह आतंकी हमला हुआ है। इस समय पाकिस्तान में राजनीतिक हालात बेहद उथल पुथल भरे हैं। इमरान खान की गद्दी जाने वाली है। विपक्ष लगातार जोर आजमाइश कर रहा है। 31 तारीख को इस पर अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान में वोटिंग हो सकती है। उस बीच ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान में पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। ये आतंकी हमला खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़्यादा जानकारी जैसे ही आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के एक पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया है। इस आतंकी हमले में 22 लोग घायल बताए गए हैं। ये लोग कौन है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं या फिर आम नागरिक हैं, ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन आतंकी हमले में अब तक 22 लोगों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पैरामिलिट्री फोर्स को आतंकियों ने निशाने पर लिया। इस पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप को आतंकियों ने हमला किया तो 22 लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त सिर्फ प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई है और उसके मुताबिक 22 लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही पैरामिलिट्री कैंप पर यह हमला हुआ है। किस तरह का आतंकी हमला है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है, उसके बारे में जानकारी अभी नहीं आई है। जैसे ही वो जानकारी सामने आएगी हम लगातार एक के बाद एक ब्रेकिंग इनपुट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स के एक कैंप पर खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ये हमला किया गया है और ये भी देखना होगा कि क्या जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है पाकिस्तान में, कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके चलते क्या ये हमला हुआ है। 3 हमलावरों को मार गिराए जाने के भी खबर आ रही है और साथ ही इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी तालिबान ने इस हमले के पीछे जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने ये हमला कराया है खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के एक कैंप पर जिसमें 22 लोग घायल हो गए हैं। और ये पहली तस्वीरें उसी इलाके से, सबसे पहले आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर इस वक्त एम्बुलेंस के सायरन आपको सुनाई दे रहे हैं लेकिन लोग भी काफी तादाद में इस इलाके में मौजूद है। पूरी तरह से थोड़ी देर में कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा इस पूरे इलाके को, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका। और यहां पर पैरामिलिट्री कैंप पे के एक कैंप पे जो हमला हुआ है उसमें 22 लोगों के घायल होने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि 3 आतंकियों को मारा गया है, 3 हमलावरों को मार दिया गया है इस हमले में जो शामिल थे। लेकिन क्या बड़ी वजह है, किस तरह का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इस पैरामिलिट्री कैंप के जो खैबर पख्तूनख्वा इलाके में है, उसके बारे में तमाम जानकारी एक एक करके हम आपको दे रहे हैं। हमजा अली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमजा अमीर माफ कीजिएगा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अब उनसे ही जान लेते हैं कि क्या हुआ है इस इलाके में। हमजा, सबसे पहले ये बताइए कि कितना बड़ा हमला था और इस वक्त ग्राउंड जीरो के ताजा हालात क्या है। देखिए, एक बहुत मेजर हमला है क्योंकि टांग डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टांग डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन नॉर्थ वजीरिस्तान के पास है। इसके करीबी एरियाज में दरा आदम खेल है, लंडी कोटल है और उसके आगे जो है जाके बन्नू का एरिया लगता है। तो एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और इसकी वहाँ पे जो FC की डिप्लॉयमेंट्स हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में सुसाइड बॉम्बर्स, कहा यह जा रहा है कि कम से कम 4 या 5 के करीब सुसाइड बॉम्बर्स वहाँ घुसे हैं और उन्होंने अपने आप को वहाँ पे ब्लू आउट करने की कोशिश की है लेकिन जो है वो उसको फॉइल किया गया है। बट अभी तक जो है वो कहा यह जा रहा है कि 3 दहशतगर्द जिनमें से 6 में से 3 मार दिए गए हैं, बाकियों से मुकाबला चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है ऑपरेशन जारी किया हुआ है। पाकिस्तान की FC की जो है कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट की जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अटैक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने क्लेम की है। अब ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की गई थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स की और पाकिस्तान ने कहा था कि उन्होंने उनको घुसने नहीं दिया। इसमें भी पाकिस्तान के 6 जवान शहीद हुए थे।
तो एक बहुत बड़ा हमला है एक ऐसे वक्त में है जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, शाह महमूद कुरैशी चाइना में मौजूद हैं और ऐसे में इस तरह का अटैक एफसी के उसमें और टांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना वाकई ही एक बहुत बड़ा सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है जी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।